हमारे साथ राणा जी हैं और उनकी डॉटर स्लोनिया, और आप जो है वो कोमा पेशेंट हैं, और हम लोग नाड़ी योग का ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसके अंदर अमित जी को यहाँ भेजा है हमने। स्लोनी जी और उनके परिवार ने इनके अंदर 7 दिन के अंदर क्या परिवर्तन देखा और क्या उनको प्रॉब्लम थी बताएं। एक्चुअली माय फादर हैड अ कार्डियक अरेस्ट एपिसोड, सो ही हैड लेफ्ट द वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 10-12 मिनट्स एंड ही एक्चुअली केम बैक, ही वाज रिवाइव्ड। एवर सिंस दैट ही स्लिप्ड इनटू द कोमाटोस स्टेज एंड हैड मिनिमल टू नो मूवमेंट्स। ही यूज्ड टू ओपन हिज आईज बट इट वाज नॉट स्पोरैडिक एंड प्यूपल फोकस नहीं होता था, बट अब ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू वॉइसिस, ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू हिज नेम, लाइक इफ यू एवर टेक हिज नेम ही एक्चुअली ओपन्स हिज आईज, सो इवन इफ आई डू इट राइट नाउ ही डू इट पापा, सो ही ओपन हिज आईज एंड ही हैज स्टार्टेड हैविंग मूवमेंट इन हिज लेग्स, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सेंसेस इज इंक्रीज्ड, अदर देन दैट ही स्टार्टेड ब्रीदिंग विदाउट द वेंटिलेटर, ही ब्रीथ्स फॉर ऑलमोस्ट 2-3 hours विदाउट एनी लाइफ सपोर्ट, ही इज गल्पिंग, ही इज योनिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट। जब हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर्स हैड ऑलमोस्ट गिवन अप ऑन हिम, दे टोल्ड अस दैट देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट चांसेस ऑफ हिम हैविंग अ मीनिंगफुल रिकवरी, बट वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ रे ऑफ होप, एंड सिंस डॉक्टर आल्सो टोल्ड अस दैट देयर आर चांसेस फॉर हिम टू इंप्रूव, सो वी आर जस्ट वेरी होपफुल फॉर दैट एंड वी आर जस्ट प्रेइंग एवरी डे। सबसे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज द मोमेंट यू लूज होप दे विल लूज होप, एंड द मोर होपफुल दैट यू आर फॉर देयर रिकवरी, the more chances are there for them to get to recover, because obviously we send our vibrations to them, we send our vibes to them, and he has been giving me positive hopes whenever I'm around him, so I just think ki bilkul negative nahi hona chahiye, we should give them the entire chance of survival that they need, because I'm pretty sure they also want to fight and come back, so we shouldn't deprive them of the chance of survival. नाड़ी योगा के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि आपको नेगेटिव होने का आवश्यकता नहीं, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो भी ब्रेन के सेल डैमेज है वो रीजनरेट हो सकते हैं। अभी आप मूवमेंट्स के अंदर देख रहे हैं कि जैसे वो प्रेस करते हैं तो उनके अंदर पहले शायद राइट साइड के अंदर ही मूवमेंट था, अभी जो है लेफ्ट साइड के अंदर भी प्रेस करते हैं, प्रेस करके दिखाइए, तो उसको वो भी उनके अंदर ये देखिए वो भी उनके अंदर चेंज आ रहा है। तो इसी तरीके से जो ब्रेन के सेल हैं उनको विद ट्रीटमेंट डीजनरेट किया जा सकता है, और इसमें पेशेंट जो है उन्हें निराश नहीं होना चाहिए।